नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। बलरामपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र के सोनार गांव में हुए मां बेटे के दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी है। हत्या के बाद लापता परिजनों को पुलिस ने खोज निकाला है और उनसे पूछताछ की जा रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र के सोनार गांव में मंगलवार को हुए दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। 45 वर्षीय मन्नू पासवान उनके 78 वर्षीय मां लखराजी की हत्या के बाद से पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। हालांकि दो दिन बीत जाने के बाद भी हत्याकांड के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए 4 टीमें गठित की हैं, जो लगातार जांच कर रही हैं। घटना के बाद से गायब मृतक मन्नू की पत्नी, बच्चे और बहू को पुलिस ने खोज लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि परिजनों का पता लगाकर उनसे जानकारी हासिल की जा रही है और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने घटना की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया है। एक टीम श्रावस्ती के कोना क्षेत्र में भेजी गई है, जहां मन्नू का पैतृक गांव पटना कोठारे स्थित है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है, जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। सीओ सिटी ब्रजनंदन राय, प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली शैलेश कुमार सिंह, सर्विलांस टीम भी इस जांच में शामिल है, जबकि एएसपी नम्रता श्रीवास्तव को पूरे मामले की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।